हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पॉलिटी का नया चैप्टर, जो नया पार्ट था लक्ष्मीकांत का, दैट वाज पार्ट थ्री। और पार्ट थ्री में आता है हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट के देखिए हमारे मतलब जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट जिसको अभी इस समय सेंटर पे जो यूपीए की गवर्नमेंट है, एनडीए की सॉरी जो गवर्नमेंट है, उसमें बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है और कोलिशन पार्टीज़ हैं, तो वो सब मिल करके यूनियन गवर्नमेंट बनाते हैं। अब देखिए उसके लिए जो प्रोविजंस हमारा दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट का, उसको तीन मेन सेक्शंस में हम लोग डिवाइड करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड किया हुआ है। पहला उसमें आता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट होती है हमारी। अब देखिए आप लोगों को जनरली क्या पता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव है और ये जो लेजिस्लेचर है और ये जो जुडिशियरी है, ये तीनों ही गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। मतलब एग्जीक्यूटिव भी उसमें आ जाएगा। एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया कि जो एग्जीक्यूट करता है, कोई भी पॉलिसी जब बनेगी तो वो कहाँ से बनेगी, लेजिस्लेचर से। तो लेजिस्लेचर अगर कोई पॉलिसी बनाता है तो उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है, और फिर उसके साथ हमारी जुडिशियरी। तो जो वो एनडीए की अभी सरकार है, जिसको हम कहते हैं कि सरकार, तो वो सरकार एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और उस सरकार में ही हमारा अपोजिशन भी आ जाता है और हमारी जुडिशियरी भी आती है। इस वजह से वो पूरा का पूरा शासन कहा जाता है। तो ये हमारा यूनियन गवर्नमेंट को इन तीन सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये आपके लक्ष्मीकांत बुक में साफ लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें अब हमारा आ गया यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट के बारे में देखिए कहाँ पर है, पार्ट फाइव। तो जो पार्ट फाइव है, आर्टिकल्स 52 to 151, वो डील करते हैं एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट, यूनियन जुडिशियरी एंड सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक्चुअल में अब कंट्रोलर तो है नहीं, क्योंकि कंट्रोलर का मतलब होता है कि जो बजट होता है किन्हीं भी ऑफिसेज़ के लिए, उसको वो कंट्रोल करे। तो ऑडिटर का काम केवल इस समय, ऑडिटर सीएजी का काम इस समय केवल ऑडिट करना ही रह गया है, कंट्रोलर का कंट्रोलिंग का काम वो नहीं कर पाता है। तो फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनियन एग्जीक्यूटिव आर्टिकल्स याद रखने हैं, 52 से शुरू होता है 78, और पार्ट कौन सा है, पार्ट फाइव, ठीक। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएंगे प्रेसिडेंट, दूसरे आ जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे आ जाएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, और फिर उसके बाद आ जाएंगे उसकी काउंसिल, और फिर आ जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए याद रखिएगा, स्टेट में भी सेम यही प्रेफरेंस चलेगा। स्टेट में सबसे पहले प्रेसिडेंट की जगह पर गवर्नर आ जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट का कोई मतलब नहीं है वहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर की जगह पर मुख्यमंत्री आ जाते हैं, चीफ मिनिस्टर, और फिर मुख्यमंत्री का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और अटॉर्नी जनरल की जगह वहाँ पर आते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसको याद करने का तरीका क्या है, एडवोकेट। एडवोकेट तो आपको हर जगह गली चौराहों हर जगह पे मिलेंगे, लेकिन अटॉर्नी जनरल तो एक ही होगा ना, अटॉर्नी सिंगल, तो अटॉर्नी सेंटर के लिए होता है और एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए होता है। स्टेट बहुत तेरे हैं इंडिया में, 29। तो ये हम लोग को याद रखना है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट कौन कौन से हैं। प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए उनकी पावर्स में, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता ही है, और फिर उसके बाद उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये सब एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, पॉलिसीज़ को लागू करने का काम करते हैं, और इसी में फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें आगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा यूनियन गवर्नमेंट, इसको डिवाइड कर देना है दो हिस्सों में, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ठीक है। अभी आप जुडिशरी को इससे थोड़ा सा हटा दीजिए। अब यहाँ पे आ जाता है एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, ये पूरे हो गए। लेजिस्लेचर में देखिए हमारे पास कौन कौन आ जाएंगे, हाउसेस। तो हाउसेस दो तरीके के होते हैं हमारे, एक तो राज्यसभा जिसको कि हम लोग अपर हाउस बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, लोकसभा, जिसको हम लोग लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। तो ये जो हमारा लोकसभा है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि 552 सीटें, और ये जो हमारा राज्यसभा है, इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए 250 सीटें। अगर नहीं पता है तो हम लोग आगे चैप्टर आएगा उसमें करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। तो चलिए, राज्यसभा हमारा अपर हाउस होता है और लोकसभा हमारा लोअर हाउस होता है। आप लोग चुन के किसे भेजते हैं, लोकसभा को। कहने का मतलब है आपने जो वोट दिया है वो वोट किसको मिला है, जिन भी मेंबर्स को आप वोट करते हैं वो सारे के सारे लोकसभा में जाते हैं। और इसी चीज़ को अगर आप स्टेट में जब देखेंगे, अभी तो फिलहाल हम लोग यूनियन गवर्नमेंट पढ़ लें, जब स्टेट में आएगा तो सेम वही चीज़ें रिलेट करते जाइएगा। वहाँ पे जो लोअर हाउस होगा और वहाँ पे जो अपर हाउस होगा वो काउंसिल बोल दिया जाएगा, और लोअर हाउस को असेंबली
कह देंगे, मतलब कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा राज्यसभा जैसा वहाँ पे क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो राज्यसभा होता है ये एक तरीके की परमानेंट बॉडी है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। जैसा कि आप लोगों को इमरजेंसी प्रोविज़न के दौरान मैंने बताया था कि इमरजेंसी लगाई जाती है तो राज्यसभा से एटलीस्ट अप्रूवल ले लेना पड़ता है। अगर नहीं आपको पता है तो आप मेरी पुरानी वीडियो को देखिए, ठीक है। उसमें मैंने लक्ष्मीकांत बुक को लेकर के ये सारी चीज़ें बताई हैं। अभी मैं इस वीडियो को अब पीडीएफ से आगे चल करके बनाऊंगा, क्योंकि ये ज़्यादा फिजिबल है एंड इट इज़ आल्सो टाइम सेविंग फॉर मी। तो मेरे पास समय की भी थोड़ा सा कमी है, तो इससे ही समझते हैं हम लोग। लोकसभा हमारे पास मैंने बताया लोअर हाउस है, यहीं पे आप लोग अपने मेंबर्स को चुन करके भेजते हैं, इसीलिए ये लोकसभा है, लोगों की सभा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए हमारा जो हाउसेस हैं, इन हाउसेस को हम लोगों ने कहाँ पे डाला हुआ है, लेजिस्लेचर में। यहीं पे लेजिस्लेशन का काम होता है, जो भी बिल और उनका बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, उनका रिव्यू होता है, वो सारा का सारा लोकसभा में और राज्यसभा में होता है। तो लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा में जाता है या राज्यसभा से पास होकर के लोकसभा में, मतलब कि जो बिल जिस हिसाब के होते हैं उनको लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना पड़ता है। ये है लोकसभा और राज्यसभा की कहानी। तो ये हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, ठीक है। अब इस लेजिस्लेटिव बॉडी को और समझिए, लोकसभा में जो भी आप गवर्नमेंट चुन करके भेजते हैं उसमें जो मेजोरिटी जिसके पास होती है उसी का जो हेड होता है वही हमारा प्रधानमंत्री बोला जाता है, जो कि इस समय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो आपसे कहते हैं कि पकौड़ा बेचने वाला भी रोजगार कर रहा है, तो अच्छी बात है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का वक्तव्य है। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि हमने श्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चुन करके लोकसभा में भेजा है और वो हमारे सरकार के हेड हैं। इसी तरीके से अब ये जो लोकसभा के जितने लोग होते हैं, ये लोग अपने में से ही जो अपने आदमी होते हैं उन्हीं में से चुन करके राज्यसभा के मेंबर्स को डिसाइड करते हैं। कहने का मतलब है कि राज्यसभा के जो भी मेंबर्स होंगे वो हम डिसाइड नहीं करते हैं। हमारे स्टेट में भी जो काउंसिल्स अगर हैं, स्टेट की काउंसिल्स अगर हैं, तो स्टेट काउंसिल के मेंबर्स को भी हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आ जाएगा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स में क्या आ जाते हैं, बिल्स, बजट, सेशंस एंड मोशंस, फंड्स एंड ग्रांट, तो ये सारे राज्यसभा और लोकसभा में होते हैं। फिर उसके बाद देखिए तीसरा हिस्सा क्या दिया हुआ है, पार्लियामेंट्री कमेटीज़। दो तरीके की पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, एक एडहॉक होता है और दूसरी स्टैंडिंग कमेटीज़। एडहॉक कमेटीज़ जो हम लोगों को किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ने पर अचानक से बनानी पड़े, एडहॉक मतलब कह सकते हैं कि संविदा पर जो किया जाता है तुरंत किसी काम के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए। जैसे कि इस समय देश में जो बेरोजगारी का आलम है उसमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं जो वो सरकारी डिपार्टमेंट में काम हो कर रहे हैं वो एडहॉक बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि वो 5-10 हज़ार रुपये में उनको मिल जाते हैं, तो क्या 50 हज़ार देने की आवश्यकता है। एडहॉक में काम चल रहा है, ठीक है, फंडिंग विदेश से आनी चाहिए FDI की, अपने देश में कोई रोज़गार पकौड़ा बेच करके तैयार करना है, तो ये एडहॉक कमेटीज़ होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैंडिंग कमेटीज़। ये स्टैंडिंग कमेटीज़ हम लोगों का कोई भी अगर बिल बनता है या कोई भी लेजिस्लेशन हो रहा होता है तो जो बिल को उसमें क्या प्रोविजंस होने चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वह सारा का सारा स्टडी करती हैं ये स्टैंडिंग कमेटीज़ हमारी, ठीक है। तो इसलिए ये स्टैंडिंग कमिटीज़ जब हम लोग पार्लियामेंट चैप्टर को डील करेंगे उसमें देखेंगे कि कैसे वो 22-23 स्टैंडिंग कमिटीज़ बनती हैं और उसमें मेंबर्स कहाँ से, राज्यसभा से होते हैं कि लोकसभा से होते हैं, वो हम लोग वहाँ पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पार्लियामेंट का काम होता है, लेजिस्लेटिव बॉडी का। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में आप लोगों को बताया है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए देखिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 52 कि प्रेसिडेंट होना चाहिए हमारा, ठीक है। फिर आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ये भी याद रखना है। आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्टोरल कॉलेज को आप समझिए यहाँ पे कि प्रेसिडेंट को चुनता कौन है, ठीक। क्योंकि प्रेसिडेंट हम आप जैसे आम आदमी तो चुनते नहीं हैं, हम लोगों ने जिनको भी लोकसभा में भेजा है, जिनको भी राज्यसभा में भेजा है, जिनको भी असेंबलीज में भेजा है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और यही रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे किसको चुनेंगे, प्रेसिडेंट को। इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारे डीफैक्टो नहीं हैं, डीफैक्टो का मतलब इन एक्चुअल फैक्ट, मतलब कि जो डीफैक्टो का मतलब हो गया वो इन एक्चुअल फैक्ट, वो डिज्योर है, मतलब कि बाई लॉ, बाई जुडिशियल लॉ, तो ये हमारे
डिज्योर हेड हैं, एक नॉमिनल हेड कह सकते हैं कि एक प्रतीक के रूप में, प्रतीकात्मक रूप। इसीलिए हमारी कंट्री को रिपब्लिक कहा जाता है, क्योंकि हमारी कंट्री का जो हेड है, मतलब कि प्रेसिडेंट जो हैं, वो हम लोग खुद नहीं चुनते हैं, बल्कि इनडायरेक्टली चुनवाए जाते हैं, जिनको कि हमने चुन करके, हमने इलेक्ट करके भेजा है उनके द्वारा। तो इस तरीके से ये भी चुने हुए आदमी हैं, इस वजह से हमको रिपब्लिक कहा जाता है। ठीक है, वी आर रिपब्लिक बिकॉज वी हैव एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। ठीक, तो इसीलिए ग्रेट ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मोनार्की सिस्टम है, मोनार्की राजशाही, कहने का मतलब है उनका जो हेड है वो राजा हैं, अभी रानी हैं अभी भी, तो इसलिए वो रिपब्लिक में नहीं आएगा। और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोगों का, जहाँ पे डेमोक्रेसी काम करती है, डेमो का मतलब लोग, क्रेसी का मतलब उनका शासन, तो लोगों का शासन, वो डेमोक्रेसी है। और ये रिपब्लिक की चुना हुआ राष्ट्र का अध्यक्ष है हमारा। अब देखिए, इसके कॉलेज को मैं समझा रहा था आपको कि इसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं दोनों हाउसेस के, वो कहाँ, पार्लियामेंट के इलेक्टेड, याद रखिएगा इलेक्टेड मेंबर्स, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स भी तो होते हैं वो दो, एंग्लो इंडियन 550 तो सेलेक्टेड हैं, इलेक्टेड हैं, और दो सेलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट, उनको नॉमिनेट करते हैं कि दो एंग्लो इंडियन होना चाहिए। एंग्लो इंडियन कौन, वही एंग्लो इंडियन जो हमारे देश में अंग्रेज रहे थे, तो उनके लिए, समझ रहे हैं ना बात को, उनके कुछ बच्चे रह गए होंगे बेचारे, रह रहे होंगे यहाँ पे, तो उनकी अपनी कम्युनिटी बनी हुई है, वो फ्रांस पोर्टुगीज़ में आप जाएंगे गोवा वोवा में तो आपको मिल जाएंगे, उनके लिए प्रेसिडेंट एक प्रोविज़न रखते हैं कि दो लोग हम उनके उनको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद देखिए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। अब स्टेट की केवल असेंबलीज़, काउंसिल नहीं ले रहे हैं स्टेट का, याद रखिएगा, उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें हमारे पास आ जाएगा कि जो स्टेट है वो स्टेट क्या इंक्लूड करता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी आल्सो। दिस वाज अमेंडेड बाय 1792। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक, इन केस ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और फिर दूसरी, जब भी मैंने बताया कि नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा आर्टिकल 55 कहता है कि वो जो इलेक्शन होना चाहिए प्रेसिडेंट का, उसके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका क्या मतलब होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वोटिंग इज डन थ्रू सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होती है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास तीन कैंडिडेट खड़े हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, ठीक है। अब इन तीनों कैंडिडेट्स में इन कैंडिडेट्स को जो भी वोट मिले हैं, ठीक, उनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वोट हमने कहा कि इनको मिले हुए हैं, फिर उसके बाद इनको, तो अब क्या होगा कि हम लोग इनको दूसरा प्रेफरेंस देखेंगे कि इनको दूसरे नंबर पे कौन, किस, किन लोगों ने वोट दिया है, मतलब कि सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद इनको किया है, फिर कुछ लोगों ने इनको पसंद किया सबसे पहले चॉइस पे, फिर कुछ लोगों ने इनको पसंद किया सबसे पहली चॉइस पे। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एलिमिनेशन का मेथड यहाँ पे अपनाया जाएगा कि जिसको सबसे कम लोगों ने पसंद किया है पहले हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, और इनके वोट को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं दो और तीन, मतलब कि पहले और दूसरे वाले को, फिर इन दोनों में एलिमिनेशन होगा। और हो सकता है कि ये कम रह जाए, मान लो कि वन वाला कम रह जाए, अगर वोट ट्रांसफ़र हुआ तो वोट ट्रांसफ़र होने के बाद केवल क्या बचेगा, दो वाला, तो ये दो वाले को विनर घोषित कर दिया जाएगा। तो अगर ये समझ में आया तो ठीक है, वरना रट्टा मारो जिंदाबाद। सिंपल आपको याद क्या रखना है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक्चुअल में इंडिया में ये सब होता नहीं है, इसीलिए अगर किसी को 31% वोट मिल जाते हैं भारत देश के, तो वह आपके देश के प्रधानमंत्री हो जाते हैं सिर्फ 31% वोट लेने पे, और कहा जाता है कि वो मेजोरिटी पार्टी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो चलता है सिस्टम, वो चलता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब है मेजोरिटी। अगर आपको एक बार मेजोरिटी मिल गई तो काम हो गया। अब वो मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी यही है, मान लीजिए कि 10 लोग हैं, इन 10 लोगों में किसी के पास 4 वोट आ गए और बाकी लोगों के पास, किसी के पास 2 वोट आए, किसी को 3 वोट आए,
और किसी को एक वोट आया, तो भाई जिसको चार वोट मिले वो माना जाएगा कि जीत गया है। इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये सिस्टम नहीं होता है, ठीक। उसमें सिस्टम दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ऊपर चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे कभी भी हो सकता है इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, जैसे कि हमसे पूछ लिया गया था। तो ये याद रखना है आपको कि वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए, कि एमएलए का जो वोट होता है वो कैसे निकाला जाएगा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जो कि आपके वहाँ पर स्टेट में हैं, तो उनके वोट को देखिए कैसे निकाल रहे हैं। उस स्टेट की जो पॉपुलेशन होगी वो अपॉन नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट स्टेट, वो जिस स्टेट के जितने भी मेंबर्स हैं इलेक्टेड मेंबर्स, वो इनटू 1000, और मतलब 1000 से वहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा वोट एक एमएलए का वोट आ जाएगा। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का महत्व सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ की जो 20 करोड़ की जनता है, 19 करोड़ की 2011 सेंसस के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन उसकी है, इसलिए उसके जो एमएलए हैं उसका वोट क्या होगा, सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि उसका एमएलए सबसे ज़्यादा वोट उस पावर हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से डिवाइड करवा देना है, कि वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ जो हो, ठीक है, उससे वो चीज़ डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी, एक एमपी का वोट देखिए, जितने भी उस एमएलए होंगे उस स्टेट के, वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, ठीक है। तो उस एक एमपी, अगर मान के चलिए कि हमारे यहाँ से जैसे उत्तराखंड राज्य ले लीजिए, अब उत्तराखंड राज्य से अगर लोकसभा में हमको एमपी भेजने हैं, तो हमने कहा कि हमारे 5 एमपी जाने हैं, ठीक है। तो 5 एमपी हम लोगों को भेजने हैं लोकसभा में, तो लोकसभा में वहाँ के जो 5 एमपी जाएंगे वो वहाँ पे आ गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी डिवाइड करवा देंगे 5 से, और टोटल जो एमएलएज हैं जो भी वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे बनी हुई है यूके की, तो उसके जितने भी वहाँ पे एमएलएज हैं उनको डिवाइड करवा देंगे वहाँ से भेजे जाने वाले लोकसभा में नंबर ऑफ एमपीज में। तो ये हमारे पास यहाँ पे सीधा फॉर्मूला आ जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉपुलेशन डेटा, इसमें जो हम लोग लेते हैं किसी भी स्टेट के लिए, वो आप लोगों को अभी आगे भी आएगा, और ये आप लोग को याद भी रखना है कि 1971 सेंसस, और इस 1971 सेंसस को ये 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 फ्रोज द लास्ट प्रोसीडिंग सेंसस टिल द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2000। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग को ये याद रखना है कि 2026 तक का जो भी यहाँ पे डेटा रहेगा, केवल उतनी ही पॉपुलेशन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन डेटा यूज फॉर दीज कैलकुलेशंस आर ऑफ 1971 सेंसस, और किसने फ्रोज किया है ये, 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, कि टिल द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2000, मतलब कि 2011 तक का जो सेंसस है वो फ्रोज हो गया है। अब जब चेंज होना होगा जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एरिया घटा बढ़ा सकते हैं और फिर पॉपुलेशन भी चेंज होती रहती है, तो अब जो भी चेंज होगा पॉपुलेशन के लिए वो लिया जाएगा 2026। उसके हिसाब से देखेंगे कि किस स्टेट को कितने मेंबर्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक। अगर हो सकता है मान लीजिए उत्तराखंड में पॉपुलेशन बढ़ गई हो, तो हो सकता है उसके जो मेंबर ऑफ एमपीज हैं, मतलब मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट वहाँ पे चूज़ करके भेजने, जो कि अभी 5 हैं, हो सकता है वो 6 हो जाए। और अगर देखा जाएगा कि मान लीजिए पॉपुलेशन कम हो गई है, तो हो सकता है कि 5 की जगह 4 हो जाए, तो उसके वो तो तब डिसाइड किया जाएगा। फिलहाल अभी कौन सा सेंसस लिया जा रहा है, बहुत अच्छे से याद रखिए, 1971 के सेंसस के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, डिस्प्यूट्स ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया इलेक्शन का, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, द एक्ट्स परफॉर्म बाय द प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ सच डिसीजन ऑफ कोर्ट रिमेन वैलिड। तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग देखें क्वालिफिकेशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो क्वालिफिकेशन आपको दिखाई पड़ेगा। आर्टिकल 58 कहता है सिटीजन होना चाहिए, कंप्लीटेड 35 ईयर्स होना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे इस चीज़ को और क्लियर कर दूँ, ये अब टॉपिक थोड़ा सा लंबा खींचेगा क्योंकि बहुत एक्सप्लेनेशन इसमें है। देखिए अब हम लोग अगर देखें, तो हम मान लीजिए आपको
बालिग या वयस्क घोषित करने की, एडल्ट घोषित करने की जो एज है वो 18 है, ठीक है। तो 18 साल के अगर आप हो जाएंगे तो आप बंदूक गोली ले सकते हैं, लाइसेंस मिल जाएगा आपको, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं आप लोग 18 इयर्स की एज में। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट एज आती है हमारी 25 साल, ठीक। अच्छा, इसके बीच में एक और एज आती है, अगर 18 साल के आप लोग हो जाते हैं तो आप लोग वो पंचायत का जो चुनाव होता है उसको भी वहाँ पे फाइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट 25 साल, 25 साल में आप लोग लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जिस एज में आदमी यहाँ पे स्कूल छोड़ता है, वो सॉरी ग्रेजुएशन करके निकलता है या पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलता है, उसी एज में हो सकता है कि कोई यहाँ पे देश का प्रधानमंत्री भी बन जाए या लोकसभा का मेंबर भी बन जाए। इसी तरीके से तो निकलते हैं हमारे छात्र आंदोलन से नेता लोग, तो वो 25 साल की उम्र फिक्स होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं वहाँ पे एंटर करने की जो एज है वो एज हमारी 30 इयर्स है, क्योंकि वो अपर हाउस होता है, अपर हाउस में ये एज आ जाएगी हमारी। फिर उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उसको बनने के लिए एज कितनी है, 35 इयर्स। तो इस तरीके से ये वेरी करता है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि 25 साल, 30 साल, 35 साल, 25 साल में आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आपको अगर हायर उसमें जाना है काउंसिल में राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए तो 30 साल की उम्र होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैच्योर लोग जाते हैं। और फिर उसके बाद हमारे 35 साल में आप राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आप लोकसभा के मेंबर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो आपको होना चाहिए, ठीक। और ही मस्ट बी अ रजिस्टर्ड वोटर इन द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें एक रजिस्टर्ड वोटर आपका वोटिंग कार्ड और ये सब बना होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमारे पास आ जाएगा ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड आप लोग को याद आ रहा होगा अरविंद केजरीवाल के अभी 20 जो MLAs थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको क्या कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, क्योंकि उनको उन्होंने सेक्रेटरीज भी बना दिया था, ठीक है। जो कमिटीज़ थी, जो डिपार्टमेंट्स थे NCT ऑफ दिल्ली के, उनके सेक्रेटरीज बना दिए उन लोगों ने। अब सेक्रेटरी बना दिया तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि ये सेक्रेटरी नहीं, तो और क्वैश कर दिया था कि आप इसको ख़त्म करिए। लेकिन उसके एक साल बाद, जबकि ये मामला वहीं शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन एक साल बाद क्या हुआ कि अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि इनके मेंबर्स, जबकि हाई कोर्ट ने पहले ही ऑर्डर दे दिया कि ये पोस्ट ही ख़त्म, तो अब वो मेंबर्स वहाँ से हट चुके थे, लेकिन उसके बाद भी एक मामला अब चला गया इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन ने अब एक साल बाद ये डिक्लेयर करा है कि ये गलत काम हुआ और इन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के में काम किया, और इसलिए इनकी क्वालिफिकेशन या जो मेंबरशिप है उसको टर्मिनेट किया जाए। और जो इलेक्शन कमीशन बोलेंगे, प्रेसिडेंट बाउंड होते हैं उस पर साइन करने के लिए, तो इस वजह से प्रेसिडेंट ने इस पर अपनी हामी भर दी। तो अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या चीज़ होता है, कोई भी ऐसा ऑफिस जहाँ से आपको पैसा मिलता है, जहाँ से भी आपको पैसा मिले, मॉनेटरी गेन हो, पिक्यूनियरी गेन होता है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। तो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे जो विधायक हैं या जो भी हमारे मंत्री थे, उन्होंने इस तरीके का कोई भी पिक्यूनियरी या पैसे वाला गेन नहीं किया है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता ही नहीं है। और दूसरी चीज़, जब सरकार कह रही है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता है, तो ये ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनता है कि इलेक्शन कमीशन उस पर कोई अपनी राय दे, क्योंकि साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिसाइड कौन करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और गवर्नमेंट तो कह रही है कि नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद चलिए मुद्दा हो गया है ये, तो अब ये पिटीशन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाए या आगे जिस भी कोर्ट में जाए। फिलहाल तो उनके मेंबर्स जो हैं डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं। अब होगा क्या, मेंबर्स डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो बाई इलेक्शन होंगे, बाई इलेक्शन। तो बाई इलेक्शन का मतलब होता है मिड टर्म इलेक्शन, जब इस तरीके से कोई मंत्री डिमाइस कर जाता है, मर जाता है, या हो सकता है कुछ और दुर्घटना हो जाए, या इस तरीके से डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो वो सीट खाली हो जाती जहां से वो चुन करके आए होते हैं, तो उस जगह पे इलेक्शन वापस करवाने पड़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बाई इलेक्शन, ठीक है। तो ये बाई इलेक्शन होते रहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग का जो प्रेसिडेंट हैं वो कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। फिर उनके जो इमोल्यूमेंट्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं आप लोग को देख लीजिएगा लक्ष्मीकांत में क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा उनका ओथ कौन दिलाता है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो दिलाएंगे, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही सीनियर मोस्ट जज होते हैं, तो वो अगर नहीं है अवेलेबल तो जो दूसरे सीनियर मोस्ट जज होंगे वो दिलाएंगे, ठीक है, ये याद रखना है। फिर उसके बाद
जो रेजिग्नेशन अगर प्रेसिडेंट को देना होगा तो वो किसे दे देंगे, अपने से नीचे वाले को, क्योंकि उनसे ऊपर तो कोई है नहीं, तो वो किसे दे देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को। तो बाय रेजिग्नेशन इन राइटिंग एड्रेस्ड अंडर द एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि लोकसभा को कम्युनिकेट करेंगे, और फिर उसके बाद सरकार को जब पता चलेगा कि इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया तो सरकार नया किसी आदमी को लेकर के आएगी ये चीज़। फिर उसके बाद या तो उनको और कैसे हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट के द्वारा। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में आता है। इम्पीचमेंट होता क्यों है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो ये एक तरीके का क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर होता है। क्वासी जुडिशियल मतलब कि क्वासी मतलब आधा, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में ही मामला चलेगा, उसमें हम लोगों को क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर में अब देखिए क्या आ रहा है। इम्पीचमेंट प्रोसीजर, इम्पीचमेंट प्रोसेस कहता है कि रिजोल्यूशन साइन बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। अगर मान लीजिए हाउस में 20 ही मेंबर हैं, ठीक है, वैसे कितने होते हैं, 552 552 होते हैं, तो इसका 1/4 मतलब कि 1/4, तो इतने मेंबर्स यहाँ पे हमारे इनको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर यहाँ पे पास करवाएंगे, तब जा कर के वो हो पाएगा। फिर आफ्टर गिविंग एटलीस्ट 14 डेज एडवांस नोटिस टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को आपको पहले ही बता देना है 14 दिन पहले, 14 डेज, ठीक है, 14 डेज पहले प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा कि हम आपको क्या करने जा रहे हैं, इम्पीच करने जा रहे हैं क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया हुआ है। फिर उसके बाद दिस रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाई अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द इनिशिएटिंग हाउस, मतलब इधर हाउस में हो सकता है, राज्यसभा वाले भी शुरू कर सकते हैं, लोकसभा वाले भी शुरू कर सकते हैं, जो भी शुरू करे उसका 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप आना चाहिए, ठीक है, इस रिजोल्यूशन को पास करवाना चाहिए। फिर उसके बाद चार्ज इज देन इन्वेस्टिगेटेड बाई अदर हाउस, द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू अपेयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेटेड एट द इन्वेस्टिगेशन। फिर इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो इस केस में प्रेसिडेंट को फिर फाइनली अगर दोनों हाउस डिक्लेयर कर देते हैं 2/3 मेजोरिटी से, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि चार्ज प्रूव हो गया है और फिर प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटा दिया जाएगा, ठीक। अब याद रखिएगा इसमें एक चीज़, देखिए प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आए थे, लेकिन यहाँ पर इनके रिमूवल के टाइम में नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द ईदर हाउस कैन पार्टिसिपेट। और दूसरी चीज़, उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स की थी, स्टेट की असेंबलीज को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, उनके इलेक्टेड मेंबर्स वहाँ पे वोटिंग कर रहे थे, लेकिन रिमूवल के टाइम, इम्पीचमेंट के टाइम ये लोग नहीं आएंगे, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट, ये चीज़ है। अभी तक भारत देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया हो, ठीक है, क्योंकि अंतिम समय में बनाते ही हैं प्रेसिडेंट 65-70 साल में, तो क्या वो करेंगे, तो ये फ़िलहाल हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर वैकेंसी हो जाती है प्रेसिडेंट की तो उस केस में क्या हो जाएगा, बाय हिज डेथ या रिजिग्नेशन या रिमूवल बाय द इम्पीचमेंट, तो उस केस में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो वहाँ पे एक्ट करते हैं एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट मान लीजिए नहीं है तो उस केस में कौन हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो एक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर वहाँ पे इलेक्शन करवाया जाएगा और जो भी आएंगे उनको रीइंस्टेट कर दिया जाएगा उनकी जगह पे। और याद रखिएगा जब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा काउंसिल नहीं एक्ट करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस केस में हमारे पास प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है, ही इज़ नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, ठीक है, किसी कोर्ट को आंसर नहीं दे सकते हैं जो भी वो अपना काम करेंगे। हाउएवर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चार्जेस ऑफ इम्पीचमेंट कंडक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट मे बी रिव्यूड बाय एनी कोर्ट, ठीक है, तो कोर्ट कोई भी कंडक्ट उसके रिव्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नो प्रोसेस ऑफ अरेस्ट और इम्प्रिसनमेंट कैन बी अंडरटेकन, तो ये गवर्नर के लिए भी होता है और प्रेसिडेंट के लिए भी होता है कि उनको हम किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में नहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अब इसको बहुत अच्छे समझिए, सिविल प्रोसीडिंग्स के केस में, सिविल प्रोसीडिंग्स का मतलब हो सकता है कि वो अपने घर में मार धाड़ कर रहे हों, कुछ कर रहे हों, या बैंक से कोई फॉर्जरी कर दिए, कुछ भी हो गया, दैट इज़ सिविल प्रोसीडिंग। सिविल प्रोसीडिंग करना हो अगर, अ नोटिस इन रिटन राइटिंग हैज़ बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट 2 मंथ्स इन एडवांस, 2 महीना, कितना, 2 महीना, याद रखिएगा,
अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो 14 दिन चाहिए, और प्रेसिडेंट को अगर हटाना है सॉरी प्रेसिडेंट के खिलाफ अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग करनी है तो 2 महीना। पहली बात तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो कर ही नहीं सकते हैं आप, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग अगर इनिशिएट करनी है तो 2 महीने का एडवांस नोटिस उनको देना पड़ेगा, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेसिडेंट के लिए हम लोगों का ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए प्रेसिडेंट की कुछ जनरल बातें दी गई हैं। पोजीशन एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, टर्म देखिए उनका 5 ईयर्स के लिए एलिजिबल होते हैं, 5 ईयर्स टर्म रहता है प्रेसिडेंट का। फिर उसके बाद एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, फिर से इलेक्शन उनका हो सकता है, केवल एक ही आदमी 2 बार बने, कौन थे, हाँ ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो उनको 2 बार चुना गया था, उसके बाद से कोई नहीं। फिर उसके बाद देखिए ओथ चीफ जस्टिस दिलाते हैं, इमोल्यूमेंट उनका 1.5 लाख रुपया है, पेंशन 75,000 रुपये है। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन देखिए, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा इलेक्शन कौन करता है, वैकेंसी, और फिर पावर्स कौन कौन सी पावर्स होती हैं उनके पास, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है, जुडिशियल और इमरजेंसी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। एग्जीक्यूटिव पावर में अगर आप देखेंगे आगे तो एग्जीक्यूटिव पावर में जितने भी वो बिल्स बनते हैं, ड्राफ्ट बन रहे हैं, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो स्टेट ऑफ द हेड बोले जाते हैं, तो इस वजह से स्टेट के अंडर में आते हैं डिफेंस फोर्सेस, तो सारी डिफेंस फोर्सेस के जो हेड हैं हमारे वो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है ये चीज़। फिर उसके बाद हमारे लेजिस्लेशन के लिए हो गया कि लेजिस्लेशन करवा रहे हैं, जुडिशियल के लिए आ गया, उनके पास कुछ जुडिशरी पावर्स होती हैं, पार्डन करने की क्षमता होती है, रिप्राइव, रेस्पाइट, तो इस तरीके से अलग अलग कि सज़ा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्पेशल अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो। इमरजेंसी प्रोविजंस आप लोगों को बता ही चुके हैं कि प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही वो लागू होते हैं और प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप लोग इसको देखिएगा, सारा लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है कि किस तरीके से प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, और फिर उसके बाद हमारे जुडिशियल पावर्स हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर्स में हमारे पास प्रेसिडेंट को देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है, जो है प्रेसिडेंट को जब बिल भेजा जाता है तो बिल में वो 3 तरीके से काम कर सकते हैं। क्या, ही मे डिक्लेयर हिज असेंट टू द बिल, बिल को अपना एसेंट दे सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि ओके बिल पास हो गया। फिर क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, रोक के रख लेंगे, पढ़ेंगे समझेंगे फिर उसके बाद कहेंगे, या अगर मान के चलिए कि हमारे पास उनको कुछ भी नहीं कहना है तो बिल को अपने पास रख लेते हैं, मतलब कि बिल को कुछ नहीं करते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। अब लेकिन एक बात याद रखिएगा, ही मे इन केस ऑफ बिल्स अदर देन मनी बिल्स रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, अगर कोई मनी बिल है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते। 2 बिल हैं जिनके ऊपर प्रेसिडेंट को मैंडेटरी होता है कि अप्रूवल देना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड मनी बिल, तो इन दोनों बिल्स को प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए, अब अगर मनी बिल के अलावा कोई और बिल होता है, नॉर्मल बिल्स हो गए या इस तरीके के, तो उनको प्रेसिडेंट वापस भेज सकते हैं रिकंसिडर करने के लिए, कि लोकसभा से बोलेंगे, राज्यसभा से बोलेंगे, एक बार फिर देख लीजिए मुझे ये सब कुछ कमियां इसमें लग रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस केस में वापस उसको रिकंसिडर करवाएंगे। लेकिन अगर वापस दोनों हाउसेस उनको उस बिल को फिर से करके बिना कोई अमेंडमेंट के या अमेंडमेंट के साथ भेजते हैं, तो प्रेसिडेंट दूसरी बार जब बिल आता है तो वापस नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा इन केस ऑफ स्टेट बिल्स, अगर स्टेट बिल होंगे, ठीक है, रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर ऑफ एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का क्या मतलब हो गया, कि चुपचाप अपनी जेब में रख लिया है, एब्सोल्यूट वीटो, उसके ऊपर अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इन केस ऑफ मनी बिल्स स्टेट्स ऑफ स्टेट्स और रिजर्व प्रेसिडेंट में ईदर डिक्लेयर हिज असेंट और विदहोल्ड हिज असेंट। अब देखिए सेंटर का मनी बिल तो वो नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर स्टेट का मनी बिल आता है तो प्रेसिडेंट उसको अपने पास रख सकते हैं, याद रखिएगा बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। यूनियन गवर्नमेंट का कोई भी मनी बिल होगा तो प्रेसिडेंट उसको रोक नहीं सकते, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई मनी बिल जो गवर्नर के द्वारा फॉरवर्ड किया गया है उसको प्रेसिडेंट रोक सकते हैं अपने पास, विदहोल्ड करके रख सकते हैं, रिटर्न नहीं कर सकते लेकिन विदहोल्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ही हैज़ द पावर टू समन प्रोरोग एंड द पार्लियामेंट एंड ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा, ठीक, प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं और डिसॉल्व कर सकते हैं किसी भी समय लोकसभा को, लेकिन ये सब किसके उसमें होगा, एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि डिसॉल्व करनी है लोकसभा तभी, ये नहीं कि उनके मूड में जब आया तब, नहीं,
ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ही शैल हैव द पावर टू समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस अगर मान के चलिए किसी नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल पर अगर डेडलॉक हो गया कि लोकसभा ने पास कर दिया राज्यसभा पास नहीं करवा पाता है, तो उस केस में क्या बोल दिया जाएगा कि प्रेसिडेंट वहाँ पे एक जॉइंट सिटिंग लेकर आएंगे दोनों की। और उस जॉइंट सिटिंग में आपको पता ही है कि कुछ कुछ मेंबर्स आएंगे दोनों से प्रोपोर्शनल, तो लोकसभा में मेंबर्स ही दुगने होते हैं, तो लोकसभा हमेशा जीत ही जाती है उस केस में, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स। तो राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स होते हैं ठीक, वो कौन वहाँ पे नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट, और लोकसभा के जो 2 मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। राज्यसभा में किन मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है लिटरेचर साइंस आर्ट एंड सोशल सर्विस, याद रखिए लिटरेचर साइंस आर्ट एंड सोशल सर्विस, इसी में अभी स्पोर्ट्स भी आ गया था तो सचिन तेंदुलकर उसी के तहत वो आ गए। ठीक, लोकसभा में 2 मेंबर्स बता चुका हूँ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। ही डिसाइड्स ऑन क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज, तो अभी आप लोगों को पता ही है कि एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन जो अभी दिल्ली अरविंद केजरीवाल। फिर उसके बाद ही लेज सर्टेन रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट लाइक रिपोर्ट्स ऑफ CAG, UPSC, फाइनेंस कमीशन, स्पेशल ऑफिसर्स ऑफ SC ST, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो अपना सारा रिपोर्ट किसे सबमिट करती हैं, प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट उनको स्टेट लेजिस्लेचर मतलब कि लोकसभा में रखता है। ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेशंस इज़ रिक्वायर्ड, तो हमको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए किन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अगर नया स्टेट बनाना है तो उससे पहले किसकी रिकमेंडेशन चाहिए पड़ेगी, प्रेसिडेंट की, या ऑल्टरेशन करना है बाउंड्री का Article 3 के तहत तो प्रेसिडेंट के लिए हम प्रेसिडेंट की नोड वहाँ पे चाहिए पड़ेगी, प्रेसिडेंट ही उस बिल को लेकर के आएंगे। दूसरी चीज़ मनी बिल Article 117 के थ्रू, तो वो मनी बिल आएगा, Article 110 भी मनी बिल को रिप्रेजेंट करता है 110, तो उसके थ्रू जब मनी बिल आता है तो प्रेसिडेंट ही लेकर के आते हैं, इसी वजह से प्रेसिडेंट उसको विदहोल्ड नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते। दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई यहाँ पे। फिर देखिए अब आप बिन इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर ये आ रहा है ठीक है, दो इट मे नॉट बी अ मनी बिल उस केस में। फिर उसके बाद स्टेट बिल्स रेस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ ट्रेड, तो ये सारे बिल्स प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से आएंगे, प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से सहमति से आएंगे। फिर उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट की वीटो पावर, प्रेसिडेंट किन किन में वीटो कर सकता है, वीटो का क्या मतलब होता है, रोक सकता है, उनको अपने पास ही रख सकते हैं। तो प्रेसिडेंट का सबसे पहले आ गया एब्सोल्यूट पावर, ठीक, एब्सोल्यूट पावर में क्या होगा, प्रेसिडेंट चुपचाप से उस बिल को रख देंगे, और इसको इसीलिए एब्सोल्यूट कहा गया है कि द पावर कैन नॉट बी ओवररिटन, इसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये हो जाएगा केवल मनी बिल को छोड़ करके किसी भी बिल में वो एब्सोल्यूट वीटो कि मेरा पूर्ण अधिकार है मैं कुछ नहीं करूँगा, ये प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। फिर उसके बाद सस्पेंसिव वीटो, अगर प्रेसिडेंट मान लीजिए किसी बिल को अपने पास रख देते हैं कि रिटर्न करने के लिए रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन फिर पार्लियामेंट वो कर दे, तो इसी वजह से उसको सस्पेंसिव कहा जाता है कि कुछ समय के लिए रोक दिया, लेकिन रोका अपने पास नहीं, रोक लिया लेजिस्लेचर को भेज दिया, तो लेजिस्लेचर ने लेकिन ओवरराइड कर दिया कि अब फिर से हम उन्होंने लेजिस्लेचर ने पास करके भेज दिया, तब प्रेसिडेंट उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पॉकेट वीटो, ये बोला जाता है कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास ज़्यादा डीप पॉकेट है, ठीक, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट नॉट टू टेक एनी एक्शन या पॉजिटिव या निगेटिव, तो इसको पॉकेट वीटो कहेंगे। सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट स्पेसिफाई अ टाइम लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव द एसेंट, द इंडियन प्रेसिडेंट कैन एक्साइज ए पॉकेट वीटो, तो ये दोनों लगभग लगभग आपको सेम लग रहे होंगे, एब्सोल्यूट वीटो और ये पॉकेट वीटो। तो एब्सोल्यूट वीटो में आप याद रखिएगा कि वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है, एब्सोल्यूट वीटो में उन्होंने मना कर, मैं साइन नहीं करूँगा, पॉकेट वीटो में वो अभी सोच नहीं पा रहे हैं साइन करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, और कोई उनको इस बात में दबाव भी नहीं डाल सकता, ये चीज़ है दोनों का डिफरेंस, ठीक है। एब्सोल्यूट में मना कर दिया, नहीं करेंगे भाई, और पॉकेट वीटो में पॉकेट में रखा हुआ है, निकाल के अगर अच्छा लगा तो साइन कर देंगे, नहीं रहे तो नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारे इंडियन प्रेसिडेंट का जो पॉकेट वीटो है वो ज़्यादा बड़ा है, पॉकेट उनकी ज़्यादा डीप है, बहुत सारे बिल्स को अपने पास रख सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है, जो कि लेजिस्लेचर अगर मान के चलिए हायर मेजोरिटी से फिर से पास करवा लेती है 2/3 मेजोरिटी से, तो उस केस में वो फिर क्वालिफाइड वीटो में आ जाएगा कि वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो ये आ जाएंगे हमारे पास। अब देखिए इंडियन प्रेसिडेंट इंजॉयज एब्सोल्यूट सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो, ये आ गया यहाँ पे।
फिर इसके बाद फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट वो भी उन्हीं के थ्रू आ रहा है, मनी बिल भी उनके थ्रू आ रहा है। कोई भी डिमांड, नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज प्रायर रिकमेंडेशन, तो उनकी प्रायर रिकमेंडेशन पर ही वहाँ पे आते हैं कोई भी डिमांड हो, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद मनी इज़ रिलीज फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड आफ्टर इज सेंक्शन, जब वो सेंक्शन करेंगे तो एक कंटिजेंसी फंड होता है इंडिया का, जैसे कंसोलिडेटेड फंड है उसमें इंडिया से जितना भी पैसा वैसा इकट्ठा कर रहे हैं सेविंग्स के थ्रू या जो टैक्सेस वैक्सेस लगा करके, तो वो सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। उसके अलावा एक फंड आ रहा है यहाँ पे कंटिजेंसी फंड, ठीक है। तो एक वहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड हो गया, पब्लिक अकाउंट फंड हो गया, फिर उसके बाद तीसरा ये कंटिजेंसी फंड है। तो कंटिजेंसी फंड मतलब कि इमरजेंसी फंड, ये हमारा 500 करोड़ रुपए का होता है। ये चेक जो हमारे सेक्रेटरी हैं फाइनेंस सेक्रेटरी वो लेकर के अपने साथ चलते हैं, और प्रेसिडेंट जब भी कहते हैं, अगर मान लीजिए कि कहीं पर कोई किसी को स्टेट को 100-200 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ जाए या कहीं पे कोई त्रासदी हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो प्रेसिडेंट उससे कहते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी से, तो वो साइन करके चेक काट करके दे देते हैं, तो वो कंटिजेंसी फंड प्रेसिडेंट के अंडर में आता है। ही कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन, प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन बनाते हैं 5 साल के गैप के बाद। फिर उसी तरीके से इनकी एक्जीक्यूटिव पावर आ गई, एक्जीक्यूटिव पावर में मैंने बताया ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज यूनियन मिनिस्टर्स ऑन हिज एडवाइस, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, CAG, चेयरमैन ऑफ पब्लिक, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं उनके जितने भी हेड होंगे, बिल्कुल एकदम रामबाण है ये याद रखने का, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगी उनके जितने भी हेड होंगे वह सभी के सभी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए बोला जाता है कि ये जितने भी हमारे हेड हैं, द दीज ऑफिशियल्स होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, और उनको हटाने का जो तरीका कॉन्स्टिट्यूशन में होता है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स, ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, एंड ही कैन सीक एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ या फैक्ट। तो ये आर्टिकल 143, तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं आई लव यू, तो इसका मतलब वो वहाँ पे कोई एडवाइस चाह रहे हैं, 143, ठीक, याद रखना है आपको। तो ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड ही कैन सीक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब उनको एडवाइस दे ना दे वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है उनको एडवाइस देने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास उनकी जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में देखिए आपको ये याद रखना है RQ और ये PC, तो इसका मतलब ये हो गया पार्डन। पार्डन का मतलब आर्टिकल 72 के थ्रू आता है, 72 के थ्रू वो किसी भी पनिशमेंट को माफ़ कर सकते हैं। रिप्राइव, रिप्राइव का मतलब क्या हो गया, स्टे लगा सकते हैं, ठीक है ना, एग्जीक्यूशन के लिए कुछ समय के लिए, ठीक है, रिप्राइव कर देते हैं। फिर उसके बाद रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब राहत देना कि लेसर पनिशमेंट और इस पे ऑन स्पेशल ग्राउंड, मान लीजिए कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है और क्रिमिनल है तो उसको कुछ लेसर पनिशमेंट देंगे, उसके कंडीशंस को देख के, कोई मेंटल हेल्थ से परेशान है उसको कुछ लेसर कंडीशन दे देंगे, पनिशमेंट देंगे। फिर उस तरीके से रेमिशन, रिडक्शन ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, मान लीजिए कि आपको 100 कोड़े पड़ने की बात हुई है, आपने कोई चोरी करी और आपको 100 कोड़े मारने हैं, तो प्रेसिडेंट कहेंगे कि इसको थोड़ा सा रेमिट कर दो, रेमिट करने का मतलब 100 कोड़े नहीं, चलो 50 कोड़े मारो इसको। फिर उसके बाद इसी तरीके से कॉम्यूटेशन, कॉम्यूटेशन का मतलब पनिशमेंट को चेंज कर दो, मान के चलो आपको 100 कोड़े मारने थे लेकिन चलो आपकी हालत देख करके उन्होंने कह दिया 100 कोड़े नहीं, इनसे कहो कि ये सारा जो है पेड़ जितने भी यहाँ पे लगे हुए हैं इनको काटे, जो यहाँ मतलब जेल में लगे हुए हैं, तो इस तरीके से लाइटर फॉर्म से उसने चेंज कर दिया। तो ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे, पार्डन, RQ और C, ठीक है, PCRQ। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास टू सस्पेंड रेमिट बाय कोर्ट मार्शल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सस्पेंड या रेमिट या कम्यूट कर रहे हैं सेंटेंस को, कन्विक्टेड बाय एनी ऑफेंस बाय कोर्ट मार्शल या लॉ रिलेटिंग टू एनी मैटर टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द काउंसिल एक्सटेंड्स इन ऑल द केसेस ऑफ डेथ सेंटेंसेस। तो ये अब याद रखिए कोर्ट मार्शल कहाँ पे होता है, मिलिट्री वाली जो उनकी अपनी जुडिशरी होती है उसको ऊपर भी उनका अधिकार है कि वो उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ही इज़ द ओनली अथॉरिटी फॉर कम्यूटिंग डेथ सेंटेंस। तो डेथ सेंटेंस देखिए गवर्नर के पास पावर नहीं होती है, गवर्नर के पास भी है इस तरीके की पावर लेकिन उनके पास ये डेथ सेंटेंस को माफ़ करने की पावर नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे मिलिट्री पावर्स बता चुके हैं, ही इज़ द हेड ऑफ द
चीफ ऑफ द आर्मी उनके अंडर में ही आते हैं, सुप्रीम हेड वही बोले जाते हैं, कभी भी वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं, पीस डिक्लेयर कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स, भारत अगर यूएन के साथ कोई समझौता करता है, अमेरिका, चीन, किसी के साथ भी, तो वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, वहाँ किसी मंत्री और किसी का नाम नहीं आता है, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, तो वो हो जाएगा उनकी डिप्लोमेटिक पावर। नेशनल इमरजेंसी का मैं आपको पुराना लेक्चर में समझा चुका हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास इनकी स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल, पिछले चैप्टर में हो चुका है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, मिसलेनियस रेसिडियरी पावर्स कुछ आ जाएंगी, वो आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट 1, 2, 3 के 3 तहत वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। अब देखिए ऑर्डिनेंस कैसे आता है, आप लोगों को बताया था मैंने कि जब भी कोई मान लीजिए हाउस अगर ना हो, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन एंड द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द सर्कमस्टेंस विच मेक्स इट नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन, याद रखना है ये बिल्कुल एज इट इज़, ठीक है, मेंस में लिखने के काम आएगा। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123 के तहत आती है, 1, 2, 3 स्टार्ट, तो ऐसे याद रखना है आपको ऑर्डिनेंस, ठीक है, मतलब कि ऑर्डिनेंस लागू कर रहे हैं विदाउट लेजिस्लेचर, जब लेजिस्लेचर्स नहीं है हमारे, जब हमारे लोकसभा या काम में नहीं है, तो उस केस में, ठीक है ना, व्हेन द हाउसेस आर नॉट इन सेशन, सेशन में ना हो, तो उस केस में ये लागू किया जाएगा। प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाएगी सर्कमस्टेंसेस हैं तो ऑर्डिनेंस ले आते हैं। और जनरली ये जो GST VST जितना आया हुआ था, खेल, आधार और ये सारी चीज़ें, ये सब ऑर्डिनेंस के थ्रू ही आई हैं। फिर उसके बाद इनको बाद में मनाया गया, पहले लागू कर दिया गया फिर बाद में मनाया गया। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता ये लेजिस्लेचर में पास ना हो पाता आधार बिल या GST और ये सब, तो ये समस्या हो जाती बहुत, क्योंकि ऑर्डिनेंस के थ्रू लागू तो कर दिया आपने, लेकिन आप अपने टर्न में मेजोरिटी ला ही नहीं पाए, तो इस वजह से ऑर्डिनेंस का बहुत स्पेयरिंगली यूज़ होना चाहिए, बहुत कम यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, तो इट इज़ एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, देयरफॉर इट इज़ नॉट फॉर इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन, ये इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगा। ऑर्डिनेंसेस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं मतलब कि पुराने उससे लागू किया जा सकता है, मान लीजिए कि लागू करना है आज 2018 में, ठीक है, 27th तारीख को, अब तो 28 हो गई है, 28 जनवरी से लागू करना है, तो इस दिन अगर ऑर्डिनेंस हुआ तो प्रेसिडेंट ये बोल सकते हैं कि ये आज से नहीं, ये 2016 से लागू है, कि अब हम टैक्स लेंगे आपके घर में जितना भी सोना पड़ा हुआ है, भाइयों बहनों आपके घर में जितना भी सोना है, वास से लोहा, तो ये ऑर्डिनेंस अब प्रेसिडेंट ले आए, तो वो 2016 से लागू हो जाएगी, 2016 से आपने जितना भी इकट्ठा किया है सोना, वो हो जाएगा अब से लोहा। तो इस तरीके से ये ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट से अगर पास हो जाएगा तो यही होगा फिर। चलिए आगे देखते हैं, इस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट का हो गया, तो प्रेसिडेंट की आपको पावर भी यहाँ पे समझ में आ गई है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, इमरजेंसी, मिसलेनियस। तो ये बहुत सिंपल सा था। फिर उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, लिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सबसे पहले हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, देखिए दो टर्म में थे, 50 से लेकर के 62 तक, 62 लॉन्गेस्ट टेन्योर था उनका 12 इयर्स का। फिर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछी जाती है, क्या कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो बिना किसी अपोजिशन के जीते थे, तो वो प्रेसिडेंट है हमारे एन संजीव रेड्डी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी हैं वो, 64 साल में बन गए थे यंगेस्ट प्रेसिडेंट, और पहले सिख प्रेसिडेंट, देखिए सिख लोग, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हमारे सिख प्रेसिडेंट पहले पंजाब के पंजाबी, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह, इसी यही ज्ञानी जैल सिंह, और इन्हीं के दौरान वो जो हमारा 1984 में आपको पता होगा कि क्या हुआ था, इंदिरा गांधी और फिर सिखों के ऊपर हमले और सारी चीज़ें, तो असैसिनेशन, तो याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह। तो नीलम संजीव रेड्डी को याद रखना है, एन संजीव रेड्डी ये अनअपोज्ड चुने गए थे, और ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख थे। अच्छा, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ इसमें और आती है, क्या कि पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे। एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब कि जो कुछ समय के लिए ऑफिस में काम करते हैं, तो वीवी गिरी, मतलब जब ऑफिस प्रेसिडेंट का खाली हो जाता है डेथ से या रेजिग्नेशन से, तो उस केस में दो बार बने थे और दोनों बार ही वीवी गिरी बने हमारे, तो ये आपको याद रखना है। बीडी जत्ती भी एक बार बन गए, तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले दलित प्रेसिडेंट आप लोगों को याद रखने हैं, के आर नारायण, ठीक है,
के आर नारायण पहले दलित प्रेसिडेंट हमारे, और अपने प्यारे कलाम जी ये हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट। तो ये हमारे कलाम जी का पीरियड आप बहुत अच्छे से याद रखिए, देश के सबसे अच्छे आदमी 2002 से 2007। फिर उसके बाद देश की पहली महिला प्रेसिडेंट मिसेस प्रतिभा पाटिल, ठीक, इनका टेन्योर भी याद रखना है 2007 से 2012। कलाम जी के बाद प्रेसिडेंट कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल। तो उसके बाद फिर प्रणब मुखर्जी, और अब कौन है? बीजेपी के ही आदमी श्री श्री रामनाथ कोविंद जी। तो वो बीजेपी के ही आपके हैं, मतलब उन्हीं पार्टी से जुड़े हुए थे, अब तो नहीं है, अब तो वह हमारे राष्ट्राध्यक्ष हो गए हैं। तो ये चीज़ आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा, इसके बाद हम लोग वाइस प्रेसिडेंट को देखेंगे, उनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट को देखेंगे। ये वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा इसलिए हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी थी। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे हमारे गवर्नर हो, चाहे हमारे आगे जितने भी इस तरीके के आएंगे, और जहाँ पर भी इन तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या कॉन्स्टिट्यूएंसी या पार्लियामेंट्री जो सेंसस हम लोग यूज़ कर रहे हैं या जो कमिटीज़ बन रही हैं, तो वो एक्सप्लेन करने की अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो आप पुराने वीडियोस को भी देख लीजिए जो मैंने लक्ष्मीकांत के कंप्लीट करवाए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जितना आप इसे लाइक करेंगे, यूट्यूब उसको स्प्लिट करता है चीज़ों को, और लोगों को ये ज्ञान मिलेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।